ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के उस प्रसंग के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इंद्रियों को काबू कैसे करें इसके बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में बतलाना चाहते हैं जिसका नाम है भगवत गीता ऑडियो बुक। दोस्तों इस एप्लीकेशन पर आप भगवत गीता को 17 लैंग्वेजेज में सुन सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप भगवत गीता को पूरा सुनना चाहते हैं अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ तो दोस्तों आप इस शानदार मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मोबाइल ऐप का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर और दिव्य ज्ञान दिया है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें। अर्जुन भगवान से पूछते हैं यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटना वश किसी की आंखें अंधी हो जाए तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ देगी। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाते चले जाए। हे पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने या ना होने से मन की वासना और आसक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूँ समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके ये प्रदर्शन कर रहा है कि वो भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वो वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं अपनी प्रेमिका का सूरत घूम रहा है। इसका अर्थ ये है कि उसकी आंखें तो बंद है परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं, कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांति भांति के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे तो हठ के द्वारा किए गए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है। ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर दुर्बल तो कर ही देते हैं परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो अर्जुन, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई इन विषयों से निरासक्त रहती है। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है अर्जुन कि पहले ज्ञान के द्वारा अपने बुद्धि को स्थिर करो, बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे, जैसे सारे भोगों से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रगे रहे स्थिर, ऐसे इंद्रियां जिसके बस में रहे, इंद्रियां जिसके बस में रहे वो स्थित प्रज्ञ अनिस्थिर कैसे। मेरे परायण होके जो बैठे मुक्त रहे वो अधर्म के भय से, मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्मों के जैसे। तो यह था दोस्तों जानकारी भगवत गीता के अनुसार कि अपनी इंद्रियों पर काबू कैसे करें। इससे आगे का भाग हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोग कुछ सीख सकें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।